नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं एक और रेसिपी लेके आई हूँ और वो है आटे की पंजीरी। इसके बिना तो जन्माष्टमी का जो है पूजा बिल्कुल अधूरी रह जाती है, तो ये ज़रूरी बनती है इस तरह की पूजा में। और इसका पंजीरी का उपयोग दूसरी और कथाओं में, सत्यनारायण की कथा में, सब में बहुत ही उपयोग होता है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, पौष्टिक भी है। आटे से बनी हुई है, ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं इसमें, और जब भी हम किसको पूजा में भोग लगाते हैं तो बहुत इंतज़ार रहता है कि पूजा ख़त्म हो और हम ये पंजीरी का प्रसाद लें। इसको पंचामृत के साथ खाया जाता है, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब का है। तो फ्रेंड्स, चलिए आटे की पंजीरी बनाना स्टार्ट करते हैं और नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के मौके पर हम बना रहे हैं पंजीरी। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1/4 कप यहाँ पे देसी घी लिया है। ये मेरे घर का बना हुआ देसी घी है, मलाई से बना हुआ। ये घी पिघल चुका है, अब इसमें डालेंगे हम ये 2 कप गेहूं का आटा। तो ये लीजिए, 1 कप ये हो चुका है और ये दूसरा कप, और ये 2 कप गेहूं का आटा हमने ले लिया है। और इसको अब हमें रोस्ट करना है, इसको भूनना है बहुत ही अच्छे से कि पूरा घर महक जाए इसकी खुशबू से। जब ये आटा भूनता है ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए, इसको घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरह से मिक्स हो चुका है। ये देखिए, मैं इसको लो फ्लेम पे कर रही हूँ। अगर आप गैस के पास ही खड़े हैं तो इसको मीडियम फ्लेम पर भी रोस्ट कर सकते हैं आटे को, लेकिन अगर आप धीरे धीरे और दूसरे काम कर रहे हैं तो इसको लो फ्लेम पे भूनते रहिए धीरे धीरे, और इसकी खुशबू का आनंद लीजिए साथ में। तो ये देखिए, कलर स्टार्ट हो गया है चेंज होना, काफ़ी हद तक कलर इसका चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे भून रही है हमारी। तब तक हम क्या करेंगे कि इसके लिए सारे ड्राई फ्रूट्स हम काट के रख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए हैं, और ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये आप अपनी मन से भी ले सकते हैं, कोई से भी। यहाँ मैंने नारियल लिया है, सूखा हुआ जो खोपरा होता है उसको ग्रेट कर लिया है। मखाने लिए हैं 1/4 कप, 1/4 कप मैंने यहाँ पर किशमिश ली है, बड़ी थी तो मैंने इसको चॉप कर लिया। 1/4 कप काजू और 1/4 कप मैंने बादाम लिए हैं, और यहाँ मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो इसमें मिला सकते हैं और जो ना पसंद हो उसको हटा दीजिए। तो ये देखिए, पंजीरी हमारी भुन चुकी है बहुत ही बढ़िया से, और कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत अच्छी महक आ रही है इसमें से। तो अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और लगभग इसको मैं 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम सब चीज़ मिला लेते हैं। तो ये 1 कप पिसी हुई चीनी, इसको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स। तो चीनी मिक्स हो चुकी है, तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी मैं इसके अंदर सारे ऐड कर लूँगी धीरे धीरे करके, किशमिश, काजू, बादाम और ये खोपरा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल ली हैं, और ये मैंने रोस्टेड नहीं लिया है कोई भी इसके अंदर। आप चाहें तो इनको रोस्ट करके भी ड्राई फ्रूट्स को काम में ले सकते हैं, मैंने बिना रोस्ट किए हुए लिया है। तो ये मिक्स हो चुके हैं सब बहुत ही बढ़िया तरीके से, और पंजीरी हमारी बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुकी है, खुशबू वाली। तो अब इसको हम कर लेते हैं सर्व। तो ये देखिए, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पूजा के लिए गार्निश कर लिया है, सर्व कर लिया है। थोड़ी सी कमी रह गई है, वो है तुलसी पत्ते की। पूजा के लिए जो भी प्रसाद हम बनाते हैं, तुलसी पत्ते को तो हम बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं और भूलना भी नहीं चाहिए। इसका बहुत ही महत्व है सभी तरह की पूजा में, चाहे कोई सी भी पूजा हो। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आटे की पंजीरी हो चुकी है तैयार। तो इसको सत्यनारायण कथा में बनाएं, आप जन्माष्टमी में काम में लें, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये प्रसाद बहुत ही बढ़िया लगता है, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। और अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए। कमेंट सेक्शन में आप पूरी रेसिपी देख सकते हैं इसकी। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी, मिलेंगे फिर एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।